गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। ये नया चैप्टर क्या है? तो नया चैप्टर है एज प्रॉब्लम से संबंधित, क्योंकि प्रीवियस ईयर को देखते हुए एज प्रॉब्लम के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और वो सारे क्वेश्चन मिनटों में हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो उसके लिए देखिए, हम कम से कम 100 के प्लस क्वेश्चन करेंगे। 100 प्लस में हर टाइप का वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे जो परीक्षा में पूछा जाना संभव है। और देखिए, हर तरीके को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये जो वीडियो है आपकी समझ के लिए है कि कितना आप समझ सकते हैं कि एज प्रॉब्लम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे उनको हमें सोचना है। पहले तो ये समझ के लिए हम इसको मान सकते हैं कि जो आपका ये पहला वीडियो है, ये आपका बेस कंफर्म करता है, कि आपका बेस बनाता है। और बेस ये बनाता है कि कैसे आप जैसे उम्र में कुछ घटाना है कि उम्र में कुछ जोड़ना है, आज की उम्र में बाद की उम्र पूछी जाए तो उसमें क्या करना है, आज की उम्र से पहले की उम्र पूछी जाए तो उसमें क्या करना है, उसी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमको अगर अच्छे से आ गई तो आप खुद देखेंगे एज प्रॉब्लम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, केवल मैं एक मैथड बताऊँगा, बस उसी से आपको क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो फटाफट अपनी कॉपी निकालिए और बिल्कुल हेडिंग लगा लीजिए उसमें, आयु संबंधी प्रश्न। तो सबसे पहले हम आयु संबंधी प्रश्न में तीन टाइप के क्वेश्चन करने हैं। हमने जो आयु संबंधी प्रश्न है इनको तीन भागों में बांटा है। वो कौन कौन से भाग हैं पहले हम बता देते हैं आपको। पहला हो गया अनुपात, अनुपात के आधार पर आपको ऐसे ही नोट करना है, अनुपात के आधार पर। दूसरा हो गया आपका गुणात्मक रिलेशन के आधार पर, गुणात्मक रिलेशन के आधार पर। ठीक है, देखो जितनी चीजें हम आपको बताएं बस उतनी नोट कर लो, बस उसके बाद गुणात्मक रिलेशन के आधार पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि राम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है, या पिता की आयु राम की आयु की दो गुनी है या तीन गुनी है। क्यों? क्योंकि पिता हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट क्या है, बहुत ही आसान है। तीसरा पॉइंट है कथन व समीकरण के आधार पर। ठीक है, कथन कभी बनते हैं, कथन व समीकरण, समीकरण के आधार पर। ठीक है, रेशियो के आधार पर आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद गुणात्मक रिलेशन के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद कथन व समीकरण के आधार पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब आपको कैसे समझ आपको बनानी है कि अनुपात के आधार पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अनुपात के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं कि राम के पिता और उसके पुत्र की उम्र का अनुपात इतना इतना है। ठीक है, उनकी उम्र का योग इतना है। ऐसे क्वेश्चन साधारण अनुपात से बनते हैं। चलिए पहले इसको आप नोट करिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे पहले वाला, फर्स्ट टाइप सीखेंगे। फर्स्ट टाइप क्या है? अनुपात के आधार पर है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप पे हम लोग काम कर लेते हैं। अब देखो, फर्स्ट टाइप में हमको दो टाइप के मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, दो टाइप के मिलेंगे। एक मिलेगा साधारण अनुपात, साधारण अनुपात। ठीक है, और जो दूसरा मिलेगा उसमें दो रेशियो मिलेंगे। कितने रेशियो मिलेंगे? टू रेशियो का प्रयोग किया जाएगा। कैसे प्रयोग किया जाता है कि 7 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात ये था और 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये था। तो अनुपात के आधार पर एक साधारण होते हैं जिसमें केवल एक ही तुम्हें अनुपातिक अनुपात मिलेगा, संख्याओं का उम्र का अनुपात केवल इसमें एक मिलेगा। और क्या होगा, इसमें दो अनुपात मिलेंगे। आप लिख सकते हो इसमें कितने, इसमें दो अनुपात मिलेंगे। दो अनुपात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
पहले तो हमने सीखा एक साधारण अनुपात बनेगा, दूसरे वाले में हमने सीखा कि दो अनुपात वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले वाले अनुपात से हम साधारण वाले से चालू करते हैं, लेकिन उसके पहले हम कुछ नोट आपको लिखवाएंगे, वो नोट आपको ध्यान से समझना भी है और उसको नोट भी करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हमें कुछ नोट लगाकर लिखने हैं। नोट क्या है, देखिए, समझते भी चलना है और क्या करना है, उसको नोट भी करते रहना है। समझना कैसे है, जैसे कह दिया जाए करेंट टाइम, राम की वर्तमान आयु आपको पता है, वर्तमान आयु कोई भी पर्सन है उसकी वर्तमान आयु हमें क्या दे दी गई है, हमें दे दी गई है एक्स। कितनी दे दी गई है, एक्स दे दी गई है। अगर पूछा जाए बाद की आयु, ठीक है, राम की वर्तमान आयु अगर एक्स है, अगर आपसे बाद की आयु पूछता है तो आप प्लस कर दोगे, पहले की आयु पूछता है तो आप माइनस कर दोगे। कैसे, कह दे कि राम की वर्तमान आयु अगर एक्स है तो एन वर्ष बाद राम कितने साल का हो जाएगा या कितनी उम्र हो जाएगी, तो n वर्ष बाद राम की अगर आयु पूछी जाएगी तो आप n को ही क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, यानी x प्लस n हो जाएगी। प्लस क्यों किया, क्योंकि हमें बाद मिल गया है, ठीक है। ऐसे भी देख लो, अगर राम की वर्तमान आयु अगर आज पांच है अगर, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, आप कहोगे अगर आज 5 का है तो 5 वर्ष बाद 5 5 10 का हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। जैसे राम की वर्तमान आयु आज एक्स है तो एन वर्ष बाद एक्स प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। एन वर्ष अगर पहले पूछ लेता कि एन वर्ष पहले क्या हो जाएगी, एन वर्ष पहले क्या हो जाएगी, तो आपको क्या करना था, एक्स माइनस एन करना था, एक्स माइनस एन करना था। समझ कैसे बनानी है, कि अगर राम की वर्तमान आयु आज 10 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले वो कितने का हुआ होगा, तो 3 वर्ष पहले 10 में 3 हम घटा देंगे, 7 साल का रहा होगा, ठीक है, 7 साल का रहा होगा जब वो आज 10 साल का है। समझ में आ रहा है, फिर से समझिए, अगर आज वो 10 साल का है तो 3 वर्ष पहले यानी 3 हम घटा देंगे, अगर पहले की बात आ जाए तो आप माइनस कर देंगे, पहले की बात आ जाए आप माइनस कर देंगे। अब थोड़ा सा एग्जांपल इसी में हमको कैसे सीखना है ये समझिए। अब देखिए, ये चीज हम समझ गए कि बाद में हमको जोड़ना है, पहले में हमको क्या करना है, घटाना है। अगर आपको करंट का वर्तमान आयु पता है तो, क्या पता है, वर्तमान आयु पता है तो, ठीक है। चलिए, हम कुछ एग्जांपल आपको करवा रहे हैं कि राम की करंट एज कितनी है, 50 है, तो 10 साल बाद कितने वर्ष का होगा, 10 साल बाद कह दिया, करंट एज पता है तो 10 साल बाद कह दिया। देखिए, ये सब अभी सीख लेना है हमको, 10 साल बाद। अब 10 साल बाद राम कितने साल का हो जाएगा, तो आप कहोगे 50, ये 10 और जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि बाद का यूज हुआ है। 50 10 कितना हो जाएगा, 60, कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। यही पूछ लेता कि अगर 50 साल का है, अगर करंट एज उसकी 50 साल की है, अगर पूछ लेते कि 10 वर्ष पहले उसकी उम्र बताओ, 10 वर्ष पहले कितने उम्र का रहा होगा, तो 10 को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, तो 50 में 10 गए कितना आ जाएगा, 40 वर्ष का रहा होगा। समझ में आ गया, यानी बाद में हम लोग जोड़ेंगे और पहले में हम लोग माइनस कर लेंगे, इतनी बात कंफर्म हो गई। अभी आपको करंट एज दी है तब, यानी वर्तमान आयु पता है तब। अगर वर्तमान आयु नहीं पता होती है तब भी हमारे लिए आसान ही होता है, क्योंकि हम समझते बहुत अच्छे से हैं और हर चीज़ को ऑब्जर्व करना जानते हैं, ठीक है। जैसे कह दें कि 5 साल बाद मोहन की आयु कितनी है, 5 साल बाद की उम्र दी है कितनी है, 50 वर्ष है। तो पूछा है 3 साल पहले उम्र क्या रही होगी, 3 साल पहले क्या उम्र रही होगी, 3 साल पहले की उम्र बताओ, यही केवल इतना ही क्वेश्चन है। हम बोल रहे हैं सब कुछ, 5 साल बाद की उम्र 50 वर्ष है, तो उसी की 3 साल पहले की उम्र क्या होगी, तो आप कहोगे यार अब इसमें तो करंट एज दी नहीं है, वर्तमान उम्र दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्तमान निकालेंगे, 5 साल बाद है, तो आपने क्या देखा, 50 है, 50 में जहां हम 5 घटाएंगे
क्योंकि बाद की दी है ना, अगर वर्तमान में बाद निकालते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो हमको बाद की ही दी है। अगर वर्तमान कुछ रही होगी उसमें 5 साल बाद 5 हमने जोड़ा होगा तब ये 50 निकली होगी, ठीक है। अगर वर्तमान हम x मान लेते हैं, समझिए वर्तमान अगर x है तो x में कह रहे हैं कि 5 साल बाद, तो x में हमने 5 जोड़ा तभी तो ये 50 प्राप्त हुई, यानी कि वर्तमान उम्र क्या है, ये 5 घट जाएगा इसमें, तो 50 में 5 गया कितना आ जाएगा भाई, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 45। अगर वो 45 साल का उसकी वर्तमान उम्र होगी तो 5 साल बाद वो 50 का रहा होगा, हमने वर्तमान निकाल ली। वर्तमान अगर 45 की है तो 3 साल पहले वर्तमान में 3 घटा दो, वर्तमान पता हो गई। वर्तमान अगर पता है आपको तो बाद पूछेगा तो जोड़ना है, अगर आपको पूछे कि पहले तो घटाना है, ठीक है। इतनी बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें आपको सीखनी है। अब अगर ये सब नहीं कर पा रहे थे तो आप क्या करते, 5 साल बाद अगर 50 वर्ष का था और 3 साल पहले की पूछता तो आप देखते ये बाद और पहले आपस में जुड़ जाते हैं, तो 5 3 क्या होता है, 8। बस इन्हीं 8 को आप डायरेक्ट भी घटा सकते थे कि 50 में अगर 8 घटा देते यही वाले तो सीधा निकल आता कितना, 42 वर्ष। कितना निकल आता, 42 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो कि करंट उम्र इनकी कितनी है, करंट एज यानी वर्तमान उम्र इनकी 45 है। अब 3 साल पहले की पूछी है तो -3 कर दो, यहाँ से भी तुम्हारा कितना निकल रहा है, 42 निकल रहा है। यहाँ से भी कितना निकल रहा है, 42 निकल रहा है। ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, हर एक बेस आपका थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि समझना ये भी बात, अगर मोहन आज 5 साल का है, अगर मोहन आज 5 साल का है, ठीक है, और इसका जो मित्र है सोहन वो 7 साल का है, तो हमने देखा इनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस है दो। तो एक चीज़ याद रखना, जो इनका डिफरेंस है वो कभी बदलता नहीं है, कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। कि अगर मोहन 5 साल के हैं तो सोहन 7 साल के होंगे, ठीक, चाहे जितने अब मोहन मरने वाले भी होंगे, ठीक है, मोहन अगर 100 साल के होंगे तो सोहन 102 साल के होंगे, अंतर इनका 2 ही रहेगा, ठीक है। अंतर कभी नहीं चेंज हो सकता है, अगर हमारा भाई हमसे 2 साल बड़ा है तो जीवन भर हमसे 2 साल ही बड़ा रहेगा, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ती है तो उसकी भी उम्र उतनी ही बढ़ती है। तो कहने का मतलब है जो उम्र का डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर रहता है, ये हमेशा दिमाग में डाल लो, क्योंकि इस चीज़ का भी बहुत प्रयोग होगा, ठीक है। क्या हमने बताया, हमने बताया कि जो उम्र का डिफरेंस होता है, उम्र का अंतर, हमारे और हमारे भाई से जो उम्र का अंतर है वो जीवन पर्यंत उतना ही डिफरेंस रहेगा, उतना ही वो हमसे बड़ा रहेगा और मैं उतना ही उससे छोटा रहूँगा, ठीक है। तो एक चीज़ कन्फर्म हो गई, यहाँ से हमने सीखा जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज सेम रहता है, ऑलवेज क्या रहता है, ऑलवेज सेम रहता है। ये चीज़ भी कन्फर्म हो गई कि जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। तो दूसरा पॉइंट ये भी आपको समझना है। अब क्या करते हैं, जो साधारण अनुपात से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको कुछ लेते हैं और आज का जो बेस आपका क्लियर करना है वो बेस क्लियर करते हैं, ठीक है, कि आपको एक समझ हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन हमको एज प्रॉब्लम के करने हैं, ठीक है। और ये क्लास आपको सभी बच्चों को बेसिक के लिए, जिनको मैथ से बहुत डर लगता है और वो कहते हैं यार मैथ तो हमको आ ही नहीं रही है, मैथ कैसे आएगी, तो आज आएगी। आज बिल्कुल कंसंट्रेट होके बैठिए, ठीक है, कहीं शांत जगह पर और सीखने की कोशिश करिए। देखो क्वेश्चन पहले हम जो टाइप करवा रहे हैं वो टाइप करा रहे हैं साधारण अनुपात से, किससे करा रहे हैं, साधारण अनुपात यानी सिंपल रेशियो, साधारण अनुपात। अब कुछ लोग अगर अनुपात के बारे में नहीं जानते होंगे तो घबराएंगे नहीं, एक दो क्वेश्चन जहां हम करवाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि रेशियो होता क्या है, ठीक है। तो साधारण अनुपात से हम लोगों को क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राम और श्याम की उम्र का अनुपात तीन अनुपात चार है। कितना है, 3:4 है। उनकी उम्र का अंतर
इनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष है, 12 वर्ष है। तो राम की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु यह क्वेश्चन दिया हुआ है। राम और श्याम की उम्र का अनुपात 3:4 है, उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष है, तो राम की वर्तमान आयु। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, हर लोग समझेंगे और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए ऊपर हम बताते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखा हुआ है राम और श्याम की उम्र का अनुपात 3:4 है, तो हम ये जान लें ये राम होंगे, ये राम और ये श्याम। राम और श्याम यानी राम 3 होगा तो श्याम कितना होगा? 4 होगा, अनुपात दे दिया। राम और श्याम को ऐसे ही लिखना है, क्वेश्चन अगर ऐसा आया है तो राम और श्याम को लिख लेना 3:4 है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं उनकी उम्र का अंतर 12 है, तो भाई रेशियो में जो भी कहा जाए, नोट लगा के यहां पर लिख लो, नोट लगा के यहां पर, नोट क्या है, प्रश्न में जो भी कहे वो रेशियो में करते हैं। प्रश्न में अगर रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो प्रश्न में जो कुछ भी कह देंगे वो हम रेशियो में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्रश्न में जो भी कहा जाए, जो भी कहा जाए रेशियो में अप्लाई करते हैं, रेशियो में लगा देते हैं। इतनी बात हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं केवल यहां पर प्लस और माइनस से ही संबंधित होगा। अगर कह दे जोड़ उनकी उम्र का योग, तो आप रेशियो में योग कर दोगे। अगर कह दे कि उनकी उम्र का अंतर, तो आप रेशियो में अंतर कह दोगे। मल्टीप्लाई का भी हम बता रहे कैसे आपको करना है, ठीक है। करने का आपका तरीका क्या होगा, राम की उम्र कितनी है 3 है और श्याम की कितनी है 4 है रेशियो में। तो इन्होंने कहा उनकी उम्र का अंतर, अंतर होता है मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो रेशियो में बच्चा कितना डिफरेंस है, तो रेशियो में डिफरेंस है 1 का, और यहाँ पर अंतर कितना है का है, तो यहाँ पर अंतर है 12 का। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। अगर 1 की वैल्यू अगर 12 है, तो 3 की वैल्यू, अब 1 की वैल्यू 12, आप जब 1 की वैल्यू निकाल लेते हो तो आप उस क्वेश्चन की आंसर की प्राप्त कर लेते हो। आंसर की हमें मिल गई कि 1 की वैल्यू है 12, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 12 से गुणा कर दो, 12 3 36 कितनी हो जाएगी, तो 36। राम की उम्र कितनी है, 36 है, बरचौक 48, बरचौक 48। श्याम की उम्र कितनी है, 48 है। क्या देखो भाई 36 और 48 में अंतर है कि नहीं 12 का, बिल्कुल 12 का अंतर है। तो हमने इस तरीके से निकाल लिया कि 36 और 48 राम और श्याम की आयु है, वो भी कैसी है, करंट है। क्यों, क्योंकि ये जो रेशियो है ना, करंट है। कैसे पता चला ये करंट का रेशियो, क्योंकि है, राम और श्याम की उम्र का अनुपात है, आज है कितना 3:4, उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष है मतलब आज है। तो हमने देखा यहां पर अंतर कितना है, 1 की वैल्यू कितनी है 12, रेशियो में अंतर है 1, क्वेश्चन में अंतर है 12, 1 की वैल्यू 12, 12 3 36, और 12 से को 4 से गुणा कर देंगे, बरचौक 48, कंफर्म हो गया, आंसर निकल आया। अगर इसी में श्याम की उम्र पूछता तो हम 48 आंसर बता देते, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है राम की वर्तमान आयु क्या है, तो 12 को 3 से गुणा किया, 12 3 36, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। इसी में क्वेश्चन बदलेंगे कैसे, तो बदलेंगे बेटा ऐसे, देखो बदलेंगे कैसे, तो कह देंगे उनकी उम्र का योग। क्या कह देंगे भाई, यहां से क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा उनकी उम्र का योग कह देंगे, क्या कह देंगे, योग कितना है, 49 वर्ष है। क्वेश्चन इन्होंने चेंज कर दिया, राम और श्याम की उम्र का अनुपात 3:4 है, आप राम लिख दो, आप श्याम लिख दो, ठीक है। उसके नीचे राम का रेशियो कितना है, राम 3 है, श्याम कितने होंगे, तो श्याम 4 है, ठीक है, अनुपात। कह रहे उनकी उम्र का योग 49 है, हमने कहा है प्रश्न में जो भी कहा जाए रेशियो में लगा दो, प्रश्न में कह रहे उनकी उम्र का योग, तो रेशियो में भी लगा दो वही, तो रेशियो में भी कर लो 4 3 7। क्वेश्चन में उम्र का योग 49 है, रेशियो में उम्र का योग 4 3 7 है,
सात तो बराबर किसके कर दो, क्योंकि दोनों योग हमने ले लिए, एक रेशियो का योग है एक प्रश्न का योग है, बराबर कर दो। सात बराबर किसके बेटा, 49 के। और अब एक बराबर निकालना है हमको, एक बराबर कितना हो गया, 7 × 49 काट दिया, 7 × 7 कितना हो गया 49, एक बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब जब एक बराबर, जब आपको आंसर की मिल गई है, जब आपको आंसर की मिल गई है तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, 7 × 3 से कर दो तो 7 × 3 = 21, 7 × 4 से कर दो तो 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28। हमको पता चल गया कि राम हमारा 21 वर्ष का होगा और श्याम हमारा कितने वर्ष का होगा, 28 वर्ष का होगा। ठीक है, वर्तमान आयु पूछी थी राम की तो 21 वर्ष, ये हमारा आंसर हो गया। यहीं पर श्याम की पूछ देता आप 28 बता देते। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद जो वीडियो कराएंगे उसमें कम से कम हर टाइप के 4 से 5, बिल्कुल दिमाग ही खुल जाएगा, बिल्कुल बने रहो धैर्यता के साथ, क्योंकि अभी कुछ दिनों से हम थोड़ा सा व्यस्त थे और उस तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, केवल आ रहे थे। अब बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ाई होगी, एक एक चीज, एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा। तो बिल्कुल धीरे धीरे से पढ़िए और हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलिए, हर एक चीज को बिल्कुल धांसू तरीके से क्लियर करते हुए। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब इसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे, क्वेश्चन चेंज कर दिया। यहां पर हमने यहां पर क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन में कह दिया कि उनकी उम्र का गुणनफल, उनकी उम्र का गुणनफल कितना है, 28 है, सॉरी 48 96 लिख देते हैं, 48 लेते हैं। उनकी उम्र का गुणनफल कितना है, 48 वर्ष है तो राम की वर्तमान आयु। अब देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन पे सीखते चल रहे हैं। अब यहां पर गुणनफल कह दिया इन्होंने, अब जब गुणनफल कह दिया तब भी हम सॉल्व कर लेंगे, फिर से वही प्रक्रिया। अब थोड़ा सा लेकिन ध्यान देना है, प्लस कहा तो हमने रेशियो में प्लस कर दिया, माइनस कहा, डिफरेंस कहा, हमने रेशियो में डिफरेंस ले लिया, लेकिन जब गुणनफल कहे बेटा, जब क्या कहे, गुणनफल कहे, तो थोड़ी सी प्रक्रिया याद रखना। राम और श्याम, राम कितने हैं, 3 हैं, श्याम कितने हैं, 4 हैं, ये तो अभी क्वेश्चन में ही कह रहा है, हमने बिल्कुल सेम ऐसे ही नोट कर लिया। ठीक है, अब कह रहे हैं उनकी उम्र का गुणनफल, जब गुणनफल कहेगा, अगर आर और अनुपात एस है, इसको अगर अलग अलग लिखना चाहे तो राम कितना है, जब भी रेशियो से किसी भी वैल्यू को अलग करते हैं, जब भी रेशियो से किसी भी वैल्यू को अलग करते हैं तो उसके साथ एक नियतांक जुड़ जाता है, उसके साथ क्या होता है, एक नियतांक जुड़ जाता है। कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, अगर एक्स मानना है तो एक्स नियतांक मानना है तो आर की वैल्यू 3x होगी, आर की वैल्यू क्या हो गई, 3x हो गई। ठीक है, एस की वैल्यू क्या हो गई, एस की वैल्यू बेटा हो गई 4x, एक्स की वैल्यू हो गई 4x। हाँ, थोड़ा सा ये हमको करना है। ठीक है, अब R की वैल्यू, अगर राम की वैल्यू 3x है, कि राम की उम्र 3x है और श्याम की उम्र 4x है, 4x का गुणा 3x से करना है, क्यों, क्योंकि गुणनफल पूछा है। आपको जोड़ने को कहे डायरेक्ट जोड़ दो, डिफरेंस कहे डायरेक्ट डिफरेंस निकाल दो, लेकिन गुणनफल कहे तब हम x मान लेते हैं, तब हम अलग अलग करके रेशियो को x नियतांक के साथ लिखते हैं और फिर जैसा कहा जाता है हम वैसा करते हैं। R की वैल्यू अगर 3x है, S की वैल्यू अगर 4x है, हमसे कहा है गुणनफल 48 है, तो इधर गुणनफल कितना हो रहा है, तो 4 × 3 = 12x हो रहा है बेटा। 12x की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 48 है, कितनी है, 48 है। देखो 12x गलत हो गया, कौन कौन सहमत है कि यहाँ 12x होगा, गलत हो गया, क्यों, 4 × 3 से करेंगे, 4 × 3 = 12 तो आ गया, लेकिन x का गुणा x से भी तो करना पड़ेगा, यही गलत होता है वहां पर। तो x का गुणा जब x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, यानी अब एग्जैक्ट मल्टीप्लाई हुआ है, सही गुणा हुआ है। ठीक है, 3x का गुणा 4x से करेंगे तो 12x स्क्वायर है। क्यों गुणा कर रहे थे, क्योंकि गुणनफल कह रहा है, हम धीरे चल रहे हैं, लेकिन आपकी समझ एक बार मजबूत हो गई तो फिर चाहे जितनी तेज कोई चले आप आराम से कर ले जाओगे, लेकिन पहले तो देखिए एक चीज और समझिए, कभी भी अगर बाइक आप चलाते हो तब आप क्या करते हो, स्पीड में तो भगा नहीं दोगे, सीखते समय कोई स्पीड में काम नहीं किया जाता है, सीखते समय बहुत ही काम, हमेशा आपके पेरेंट्स कहते होंगे गाड़ी अगर सीखना है तो बेटा पहले आप धीरे चलाना सीखो। ठीक है, और अगर धीरे चलाना सीख लिए तो गाड़ी चलाना सीख लिए, ऐसे ही पेरेंट्स कहते हैं, क्यों, अगर तेज चलाना सीख रहे हो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, जो सीखना चाहते हो वो भी नहीं सीख पाते हो। ठीक है, तो दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना है, हमें क्या करना है, बहुत धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ चलना है। ठीक है, तो 12x स्क्वायर की वैल्यू 48 तो 12 से इसको काट दिया, बचा 48, यानी यहां से हमें प्राप्त हो गया x स्क्वायर की वैल्यू,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा अगर 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा अंडर रूट 4, और रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है तो 2 होती है। रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 2 = 6 कितनी हो जाएगी, 3 × 2 = 6। अगर x की वैल्यू 2 है तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 8 कितनी हो जाएगी, 8। पता चल गई कि राम की वैल्यू 6 वर्ष थी, राम की उम्र 6 वर्ष थी, एस की उम्र, श्याम की उम्र 8 वर्ष थी। पूछा है राम की वर्तमान आयु तो 6 वर्ष। अगर देख रहे हैं जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, कह रहे हैं इनका गुणनफल 48 था, देखो 6 × 8 करोगे तो 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है, कंफर्म हो गया। तो चलो एक टाइप हमने यहां पर ये भी कंप्लीट कर लिया। अब देखो कैसे कंप्लीट, इसी में एक आगे क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, यहीं पे अब जो हमने आपको समझाया था उसी समझ में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो कैसे पूछेंगे, कह देंगे राम की वर्तमान है नहीं पूछेंगे, इसी क्वेश्चन में वो क्या पूछ लेंगे, इसी क्वेश्चन में कहेंगे राम की 10 वर्ष बाद की उम्र बताओ। क्वेश्चन चेंज, राम और श्याम की उम्र का अनुपात 3:4 है, उनकी उम्र का गुणनफल 48 वर्ष है, तो राम की 10 वर्ष बाद की उम्र बताओ। भाई पहले करंट पता करो, करंट यानी वर्तमान उम्र पता करो, और 10 वर्ष बाद की उम्र पूछा है तो बाद में प्लस कर देते हैं 10 को, ठीक है। चलो राम और श्याम की उम्र कितनी है, 3 और 4 अलग लिखेंगे तो राम की 3x है और श्याम की 4x है, ठीक है। ये राम है और ये श्याम है, इनटू करके बता रहे, कह रहे इनका मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 का गुणा जब 4 से करोगे तो 3 × 12, और x का गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इनटू x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48, और अगर 48 आ गया, 12 से आप इसको काटोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी, सॉरी बरचौक 48 कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 12 से इसको काट दिया बरचौक 48, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से हमने देखा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x की वैल्यू अगर 2 है तो 2 × 6, राम की उम्र कितनी है, 6 है, श्याम की पता करना है तो 2 × 8 कितनी है, 8 है। लेकिन हमें इनसे तो मतलब है नहीं, हमें श्याम से तो मतलब है नहीं, हमें मतलब किससे, हमें राम से मतलब है। राम की कितनी है, राम की 6 है, अगर राम की 6 है तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझो, राम की अगर 6 है तो कह रहे हैं 10 वर्ष बाद की बताओ, तो राम की ये वर्तमान है ना 6, तो 6 में 10 हमने जोड़ दिया, 10 हमने जोड़ दिया तो राम की 10 वर्ष बाद उम्र कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन चेंज हो जाए, वही प्रक्रिया करनी थी, बस एक लाइन इन्होंने बढ़ा दी। यहीं पे क्वेश्चन पूछ सकते थे कि राम ना पूछते, ये वाला क्वेश्चन ना पूछते, यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ देते कि श्याम का पूछ देते कि श्याम की 2 वर्ष पहले की उम्र क्या है, कि उम्र क्या है, ये क्वेश्चन पूछ देते। तो राम और श्याम तुम निकाले बैठे हो, राम 6 वर्ष का है आज और श्याम 8 वर्ष का है, कह रहे श्याम, ये अब क्वेश्चन दूसरा पूछ दिया, श्याम की 2 वर्ष पहले की उम्र क्या होगी, तो श्याम है आज 8 साल का, 2 साल पहले कितने वर्ष का होगा, तो 8 में 2 पहले आ गया तो माइनस, 8 में 2 हमने घटा दिया, माइनस का 2, आंसर कितना आ गया, 8 में 2 गए 6, 6 वर्ष का होगा, 2 साल पहले कितने साल का रहा होगा, तो 6 साल का, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 2 वर्ष पहले की उम्र, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ये भी क्वेश्चन अगर पूछते तो तुम कर लेते। इन्होंने पूछ लिया राम और श्याम की उम्र का योग और वह अंतर, आपसे योग भी पूछ सकते हैं और आपसे अंतर भी पूछ सकते हैं, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। हमने राम की उम्र यहां पर निकाल ली थी, कितनी थी, 6 थी, और श्याम की वर्तमान आयु कितनी थी, तो श्याम की उम्र थी बेटा 8,
श्याम की उम्र कितनी थी? 8 थी। अब आपसे इन्होंने क्या कह दिया, अब आपसे इन्होंने कह दिया है कि राम और श्याम की पहले उम्र का योग निकालो, पहला क्वेश्चन। तो योग कैसे निकलेगा, जोड़ दोगे यही 6 और 8 जोड़ दिया तो 6 6 12 6 8 कितना हो जाएगा, 14। उम्र का योग पूछा जाएगा तो 14 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, 4 3 7 जोड़ देते, 7x हो जाता, और 7x की वैल्यू कितनी थी, 2। तो 7x यानी 7x की वैल्यू कितनी, 2। 7 × 2 7 × 2 = 14, डायरेक्ट आप 14 बता सकते थे। ठीक है, अंतर पूछता कि 4x में 3x आप क्या कर देते, घटा देते, तो 1x की वैल्यू यानी 1x = x, 1x = x होता है, तो x की वैल्यू आप निकाल चुके हो 2, यानी डिफरेंस पूछता तो 2 आ जाता है। आप ऐसे भी देख सकते हो, 8 को 6 से घटाया तो कितना आ गया, 2 आ गया। सम पूछता तो 14, डिफरेंस पूछता तो 2 वर्ष का। एक टाइप ऐसे भी बनता है, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है ये सारे। ये सारे क्वेश्चन आपकी समझ को डेवलप करने के लिए ही हम ले रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन है, राम मोहन और सोहन की उम्र का अनुपात क्रमशः 3:4:5 दिया है। यदि राम की उम्र 36 वर्ष है तो सोहन मोहन से कितने वर्ष बड़ा है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आप देख के बताइए। ठीक है, राम मोहन और सोहन की उम्र का अनुपात क्रमशः 3:4:5 दिया है। यदि राम की उम्र 36 वर्ष है तो बेटा बहुत ध्यान से करो, कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसा हम करेंगे, और जैसा आपको कहां पर कहा जाए, जैसा आपको प्रश्न में कहा जाए वैसा हम रेशियो में फॉलो करेंगे। दो चीजें आप ध्यान दीजिए, जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसा हम करेंगे, ठीक है, और जैसा अगर प्रश्न में कहा जाए वैसा ही हम रेशियो में फॉलो कर देंगे, रेशियो में वही चीज कर देंगे। ठीक है, चलिए, रेशियो दिया गया है राम मोहन और श्याम, राम 3 मोहन 4 सोहन 5। क्यों? क्योंकि क्रमशः दिया हुआ है, क्रमशः यानी अगर राम मोहन और श्याम जिस क्रम से लिखे हुए हैं उसी क्रम से आपका रेशियो उन्हीं को देना है। ठीक है, ओके। यदि राम की उम्र 36 वर्ष है, राम की उम्र कितनी है 36 वर्ष है, तो रेशियो में राम की उम्र कितनी दिख रही है, हमने कहा जो प्रश्न में कहा जाए प्रश्न में कह दिया राम की उम्र कितनी है, राम की उम्र 36 है तो रेशियो में बताओ राम की उम्र कितनी है, तो राम की उम्र दिख रही है कितनी है, राम पहले है तो पहले 3 है, तो राम की उम्र रेशियो में कितनी है 3 है, क्वेश्चन में कितनी है 36 है, क्वेश्चन में कितनी है 36 है। अगर 3 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। यदि 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी तो आप बहुत ध्यान से समझो, तो सोहन मोहन से कितने वर्ष बड़ा है ये पूछ रहे हैं, तो आप रेशियो में बताओ, सोहन मोहन से ये प्रश्न में पूछ रहे हैं तो आप रेशियो में देखो कितना बड़ा है, कह रहे हैं सोहन मोहन से, तो सोहन ये वाला है ये और मोहन है ये, तो सोहन मोहन से कितने बड़े हैं, तो 1 बड़े हैं, रेशियो में देख रहे हैं 1 बड़े हैं, मोहन 4 हैं सोहन 5 हैं, तो कितने बड़े हैं 1 बड़े हैं। ठीक है, और 1 की वैल्यू कितनी है 12, यानी जो क्वेश्चन ये पूछ रहे थे उसमें आंसर कितना आ जाएगा 12 वर्ष बड़े हैं, कितना बड़े हैं 12 वर्ष बड़े हैं। अगर आप ये नहीं समझ पाए हो तो 1 की वैल्यू अगर 12 है, आप सोहन की वैल्यू के निकालोगे तो 12 × 4 से करोगे तो मोहन की उम्र पता चल जाएगी, फिर सोहन के लिए यहां पर रेशियो में 5 है तो 12 × 5 से करोगे तो 12 × 5 = 60, यानी मोहन की उम्र कितनी निकली 48,
बरचौक 48 और सोहन की 12 पंचे 60, सोहन की उम्र कितनी निकली 60, यही तो पूछ रहे हैं। सोहन मोहन से कितना बड़ा है, तो 60 में 48 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर इन्होंने चेंज कर दिया कुछ, क्वेश्चन यहां पर इसको देखो, समझते चलो ऐसे ही आंसर हमको निकालने। आगे जो क्वेश्चन आएंगे हम एज प्रॉब्लम कि कम से कम 100+ क्वेश्चन करेंगे, 120 क्वेश्चन करेंगे इस हफ्ते, बिल्कुल दिमाग में घुस जाने वाली है एज प्रॉब्लम, एज से कोई भी संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि ये चैप्टर एमपीएसआई के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये रीजनिंग का भी टॉपिक है और मैथ्स का भी टॉपिक है, तो रीजनिंग का औसत मैथ से ज़्यादा है, ठीक है, अच्छे लेवल पे, बहुत ही अच्छे लेवल नहीं कह सकते लेकिन रीजनिंग थोड़ा सा ज़्यादा पूछी जा रही है मैथ से, ठीक है। तो ये चैप्टर दोनों में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो हम इससे दो क्वेश्चन तो हमको देखने को मिले ही, जितने भी हमने पेपर देखे दो क्वेश्चन देखने को मिले, दो क्वेश्चन हमें दो नंबर गेन कराते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं, इसी में क्वेश्चन इन्होंने कहा है, राम और मोहन क्वेश्चन इन्होंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन क्या कर दिया, सोहन मोहन और राम की उम्र का इन्होंने पूछा है, पहला क्वेश्चन उम्र का योग बताओ, पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन इन्होंने और पूछ लिया कि उम्र का औसत बताओ, क्या बताओ, औसत बताओ। लो भाई दो क्वेश्चन बच गए यहाँ से, और क्वेश्चन वही होते हैं, क्वेश्चन वही होते हैं, बस उनको चेंज कर दिया जाता है। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया योग बताओ, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया औसत बताओ। अभी इसके बाद हम एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताएंगे, बस बने रहिए आप, बढ़िया पढ़ते रहिए हर चीज़, तो हर चीज़ नहीं मिलती जाएगी। अगर आप केवल झांकने आओगे तो भाई कोई टीचर पहले ही वो चीज़ें नहीं बता देता है कि तुम बस झांकने आओ, बस तुमको वो दे दे, बस आप झांक के चले जाओ, ठीक है, पढ़ना पड़ता है। राम और मोहन और सोहन की उम्र का अनुपात क्रमशः 3:4:5 दिया है। यदि राम की उम्र 36 वर्ष है, राम की उम्र कितनी है 36 वर्ष है, तो बेटा यहाँ पर राम की उम्र कितनी है, तो 3 है, 3 बराबर आपने कर दिया 36, जो प्रश्न में कहा गया रेशियो से कंपेयर कर दिया, रेशियो में 3 है और प्रश्न में 36 है, 3 की वैल्यू अगर 36 है कि 1 की वैल्यू 3 से इसको काटा 12 3 36, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। क्वेश्चन कहा है यदि राम की उम्र 36 वर्ष है तो सोहन मोहन राम की उम्र का योग, तो योग पहले हम कहाँ चेक करेंगे, रेशियो में 4 3 7 5 12, 1 तो 12 की वैल्यू बतानी है, रेशियो में योग कितना है 12 है, तो 12 का गुणा 1 की वैल्यू 12 है, रेशियो में उम्र का योग 12 है, तो 12 × 12 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144, यानी कि पहले का आंसर हमें पता चल गया कितना आ गया 144 हो गया, ठीक। दूसरे का आंसर डायरेक्ट कैसे पता करना है, तो औसत पता करना है, औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी संख्याएं जितनी हो उनसे डिवाइड करते हैं और जो संख्याएं हो उनको जोड़ देते हैं, उन संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड करते हैं, वही औसत होता है, ठीक है। तो संख्याओं का योग कितना है 5 4 9 9 10 11 12, संख्याओं का योग तो बेटा 12 है, 12 में हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 12 में हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो बचा कितना 3 चौक 12, अब 12 से इसको कर दो गुणा बरचौक 48। देखो भाई इतना छोटा है क्वेश्चन, इतना बस देखा हमने, ऐसे ही कर लिया, ठीक है। तो ये करने के लिए आप देख रहे हो, अगर बेसिक लगाते हो तो बेसिक भी हम आपको बता देते हैं कैसे करना था, पहले 12 का गुणा 3 से करना था, 12 3 36, ये राम की उम्र निकलती, 12 का गुणा 4 से बढ़ते बरचौक 48, ये किसकी निकलती, ये मोहन की निकलती, फिर सोहन की निकालते तो 12 5 60, इनका योग पूछा था तो इनका योग कितना आता 6 6 12 13 14 के 4 हासिल लगे 1 और 4 3 7 7 6 13 और 1 14, देखिए 144 आ गया योग, यहाँ पे योग 144 आ रहा, डायरेक्ट निकाला था हमने, डायरेक्ट हमने रेशियो को जोड़ लिया था 4 3 7 5 12 और 1 = 12 है, तो 12 का 12 से गुणा कर दिया था 144 आ गया था, ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। अब इन्होंने औसत पूछा था तो औसत संख्याओं का योग 144 है और 144 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 से जहां डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 8 24 48 आ जाएगा, और वही आपका संख्याओं का औसत कितना निकला 48 निकला। आप डायरेक्ट अगर पूछते डायरेक्ट कैसे करते, तो औसत रेशियो का निकाल लेते,
एक बराबर 12 की वैल्यू थी, 12 से गुणा कर देते जो औसत निकलता है रेशियो का, ठीक है। कैसे? 4, 3, 7, 5, 12, हमें पता 12 इनका योग है, औसत क्या हो जाएगा, तो औसत योग बटे संख्या होता है, योग 12 है, संख्याएं कितनी है, 3 है, संख्या 3 से डिवाइड कर दिया, रेशियो में औसत कितना आ गया, रेशियो का औसत आ गया 4, और 1 की वैल्यू अगर 12 है तो 12 को गुणा 4 से कर देंगे, 48, आपका आंसर ये आया था 48, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको अपने हिसाब से आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन हो गए जहाँ पे तीन रेशियो आपको, तीन लोग, तीन व्यक्ति रेशियो में दिए हुए, चार व्यक्ति भी रेशियो में दिए जा सकते हैं, चार व्यक्तियों का भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी पूछा जा सकता है, जैसे पहले हमने क्वेश्चन करवाया, तो वो सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ले लेंगे वैसे ही और उनको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन उसमें फंसेंगे, है ना। चलो अब देखो इनको हटाते हैं हम, अब एक समझ और डेवलप करनी है, ठीक है, तो समझ वन क्या है, तो समझ वन हमको ऐसे देखनी है कि समझ वन, समझ पहली क्या है हमारी, कि अगर देखो हम एक क्वेश्चन के उससे समझाते हैं कि आपको ऐसे बताते हैं, यदि उम्र, राम की उम्र 1st क्वेश्चन यहाँ पर बना ये राम, 5 वर्ष बाद राम की उम्र, 2nd क्वेश्चन यहाँ पर बना राम की वर्तमान है, थोड़ा सा समझना, राम की वर्तमान है, ठीक है, हल्का से समझना कैसे हमको करना है। यदि राम और श्याम की उम्र 5 वर्ष बाद अनुपात 5:7 है और उनकी उम्र, वर्तमान उम्र का अंतर 14 वर्ष है, वर्तमान उम्र का हमें अंतर दिया हुआ था 14 वर्ष, लेकिन जो रेशियो इन्होंने दिया था वो 5 वर्ष बाद का दिया था। अब एक चीज बताओ, जो डिफरेंस होता है, सबसे पहले ही हमने बताया था जो डिफरेंस होता है वो मरते दम तक सेम रहता है, ठीक है, हमेशा वो डिफरेंस सेम रहेगा। अगर भाई आपका 5 वर्ष बड़ा है तो हमेशा वो 5 वर्ष ही बड़ा रहेगा, ठीक है, जितना बड़ा रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि उसकी भी उम्र बढ़ेगी जितनी और उतनी ही तुम्हारी भी उम्र बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखा कि जो डिफरेंस है क्या है, उनकी वर्तमान उम्र का अंतर कितना है, 14 वर्ष है, तो 14 वर्ष हमेशा रहेगा, चाहे 5 वर्ष बाद का हो चाहे 10 वर्ष बाद को, तो 14 ही रहेगा। तो हमें अगर 5 वर्ष बाद का रेशियो दिया है 5:7, तो इनका डिफरेंस कितना है, तो हमने देखा 5:7, ये 5 वर्ष बाद की उम्र लिखी है, कब की उम्र लिखी है, 5 वर्ष बाद की, 5 वर्ष आफ्टर,
ठीक है, 5 वर्ष बाद की उम्र कितनी है, 5 अनुपात 7 है, तो अंतर तो हमेशा वही रहेगा ना, तो अंतर कितना है यहाँ पर 2 है, और 2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, 14 दी है। अगर 2 की वैल्यू 14 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7 आ जाएगी, 2 से काट दिया 2 से 14, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब 7 से गुणा कर दो, 7 पना 35, 7 पना 35 और 7 सते 49, राम कौन से हैं, 49 है 35 है, पहले कौन था, यदि राम और श्याम, यदि राम कितने वर्ष के हैं, 35 के हैं, कब, 5 वर्ष बाद। 49 के कौन हैं, श्याम हैं, कब, 5 वर्ष बाद, क्यों, क्योंकि ये जो रेशियो दिया हुआ था वो 5 वर्ष बाद का था, तो 5 वर्ष बाद राम की उम्र तो पता चल गई 35 है, यानी पहले का आंसर तो हमें पता चल गया कितना है, 35 है, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया है, इन्होंने कह दिया राम की वर्तमान आयु निकालो, तो राम अगर 35 साल, 5 वर्ष बाद 35 का है, आज से 5 वर्ष बाद 35 का है, तो आज कितने साल का होगा, तो थोड़ा सा सोच सकते हो कि घटाना है कि जोड़ना है, तो आज कम का होगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद 35 का था, आज 5 कम होगा, ठीक है, तो 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी यहाँ से कितना आ गया, 30 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है, एक ये हो गया टाइप, ठीक है। चलिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे मैथ्स के हो, ठीक है, आपको कभी कभी 2 भी वीडियो पढ़ जाएंगे, तो बस पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे आपको, बस ये समझो जज्बा और जुनून तुम्हारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि जितनी बातें हमने कही है वो सारी की सारी हमको प्रूफ भी करनी है ना। तो ये हो गया इस टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे।